मैथमेटिक्स के इस धमाकेदार वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक कैलकुलेशन का नया ही तरीका देखेंगे, किसी संख्या का क्यूब और उसका क्यूब रूट, विशेष तौर पे उसका क्यूब रूट यानी घनमूल निकालने का एक बहुत ही शानदार तरीके पर डिस्कस करेंगे, जिससे आप एक चंद सेकंड में, कुछ टाइम में, बिना कलम उठाए ही किसी संख्या का घनमूल निकाल सकते हैं, उसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 10 तक क्यूब याद होना चाहिए। पहले हम उसका डिस्कशन कर लेते हैं, फिर उसका जो मेथड है उसको देख लेंगे, किस तरह से क्यूब रूट यानी घनमूल निकाला जाता है बहुत ही फास्ट और क्विक तरीके से, एक अच्छे तरीके से और एक बेटर तरीके से बिना कलम उठाए। देखिए जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको 10 तक क्यूब आना चाहिए। क्यूब क्या है आप इसको तो जानते ही हैं कि किसी भी संख्या को उसी से तीन बार इंटू करते हैं। एक का क्यूब है, एक इंटू एक इंटू एक, तीन बार किया, यहाँ पे पावर 3 होती है, घात कहते हैं इसको, वो हमेशा 3 होगी, उसको हम घन बोलेंगे, क्यूब बोलेंगे। तो 1 का क्यूब देखिए, 1 इंटू 1 कितना हो गया, 1 हो गया यहाँ पे हमारे। इसी तरह से 2 का क्यूब, 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए उसी नंबर को 3 बार इंटू करते हैं, 8 हो गया। 3 का 10 तक आपको अच्छे से क्यूब का पता होना चाहिए। फिर 4 का क्यूब बहुत ही सरल तरीका है, 5 इंटू 5 इंटू 5 करेंगे तो 5 का क्यूब आ जाएगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 करेंगे तो 6 का क्यूब आ जाएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 करेंगे तो 7 का क्यूब आ जाएगा, 8 इंटू 8 इंटू 8 करेंगे तो ये 8 का क्यूब आ गया, 9 इंटू 9 इंटू 9 करेंगे तो 9 का क्यूब आ गया, और 10 इंटू 10 इंटू 10 मीन्स 1000। तो 10 तक घन याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही आसानी से ये याद किए जा सकते हैं इन्हें प्रैक्टिस करके, इनको अच्छे से रिवाइज करके। अब हम इसी की सहायता से किसी भी संख्या का घनमूल ज्ञात करना, क्यूब रूट ज्ञात करना सीखेंगे, वो भी बहुत ही फास्ट तरीके से। और अगर ये तरीका अच्छे से आप क्लियर कर लेते हैं तो बिना कलम उठाए आप किसी भी नंबर का घनमूल बड़े आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा इसके टर्म एंड कंडीशन को थोड़ा जान लीजिए कि जब हमने 2 का क्यूब किया तो हमें अंक मिला 8। यहाँ पे सब में इकाई के अंक को ही नोट करना है, सिर्फ इकाई के अंक को, यानी कि यूनिट प्लेस डिजिट, 1 प्लेस पे क्या आ रहा है, लास्ट अंकों को हो आप ध्यान देंगे। तो 1 पे 1 है, 2 पे देखिए 8 है, 3 का 7 है, 4 का खुद 4 है, 5 का 5, 6 का 6, 7 का देखिए 3 है, 8 का 2 है, 9 का 9 और 0 का 0। इट मीन्स यहाँ देखिए 2 और 8 ये आपस में दोनों एक दूसरे के परम मित्र बन जाएंगे कि जब 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आता है और 8 का क्यूब करेंगे तो लास्ट का अंक 2 आता है, ये हमेशा ध्यान रखें। वापस 3 का 7 और 7 का 3, ये भी आप नोट रखें। बाकी सारे के सारे एक तरह से कह सकते हैं खुद गर्द हैं, उनका खुद का ही नंबर आएगा, 4 पे 4 आएगा, 5 पे 5, 6 के 6 और इस तरह से। तो इन दोनों अंकों को परम मित्र अंक भी कहते हैं, परम मित्र अंक यानी बेस्ट फ्रेंड है ये दोनों। कौन है? 2 का 8 है और 8 का वापस 2 है, ये दोनों आपस में परम मित्र हैं। और 3 का 7 और 7 का 3 भी परम मित्र हैं। यहाँ पे आपको ये परम मित्र का जोड़ा ध्यान रखना है, बाकी के सारे अंक समान होते हैं। अब किसी संख्या का पहली बात तो घन कैसे ज्ञात किया जाता है, इसका हमने एक वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जिसे आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो है किसी भी संख्या का घन ज्ञात करने का एक शानदार तरीका, घनमूल से संबंधित आज डिस्कस कर रहे हैं, तो घन का आप अच्छे से उस वीडियो को देख के कवर कर दीजिए। तो उसका एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं अभी। सपोज 73 लिया, इसका क्यूब ज्ञात करना है, क्यूब ज्ञात कर लेते हैं, उसके बाद हम क्यूब रूट का फाइंड करेंगे। तरीका क्या होता है इसका आप ध्यान दीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ चार कॉलम बनाने हैं, जो लास्ट अंक है इकाई अंक उसका क्यूब यहाँ लिखना है, और जो दाहिका अंक है 10 डिजिट पे है उसका क्यूब यहाँ लिखना है।
फिर बाद में जो यहाँ पावर है, देखिए 7 की पावर 3 है, फिर 2 है, उसके बाद 1 लेना है, उसके बाद 7 की पावर रहेगी नहीं, पीछे से 3 की पावर 3 के बाद 2, इस तरह से पावर घटानी है आगे इस तरह से। और मिडल टर्म जो बीच में दोनों पद हैं उनको 3 से इंटू करना है, ये थोड़ा रूल आप ध्यान देंगे। तो ये हो गया 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर 49 इंटू 9 करेंगे हम, तो हमें बड़ा आसानी से प्राप्त हो जाएगा 49 × 9 का जो रिजल्ट है। उसके बाद हम 9 × 21 करेंगे और 3 का क्यूब करेंगे, तो क्या होते हैं इनकी दोनों की कैलकुलेशन, इसको भी आप देख लीजिए ज़रा। तो यहाँ पे देखिए 49 × 9 करें तो इसका तरीका देखिए, 49 का रूट होता है 7, 9 का 3, 7 × 3 होता है 21, उसका स्क्वायर कर लेते हैं डायरेक्टली 441 आप करके देख लीजिए। फिर यहाँ पे 21 को जब 9 से इंटू करेंगे 190, एक अंक यहाँ छोड़ देना है बाकी आगे दे देना है हासिल के, तो 2 इसको देंगे 191 का, एक अंक छोड़ेंगे 19 इसको देंगे, तो 460 हो जाएगा उसका, 0 यहाँ लिख के 46 इसको देंगे, और जब इसमें 46 ऐड करेंगे तो आप देख सकते हैं 9, 8, 3 ये अंक प्राप्त हो जाता है जो कि 73 का क्यूब है। लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, घनमूल कैसे निकालते हैं, वो बिना कलम उठाए किस तरह से ज्ञात किया जाता है, उसका हम तरीका डिस्कस कर लेते हैं। इसी नंबर को भी हम ऐसे ही देखेंगे कि इसका 73 कैसे क्यूब रूट आया, और कुछ और एग्जांपल है वो भी देख लीजिए ज़रा, तो किस तरह के हैं क्वेश्चन ये ज़रा नोट कर लीजिए। तो अब देखिए आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हैं, इन नंबरों का हमें घनमूल ज्ञात करना है, जो भी यहाँ कुछ नंबर लिखे हैं इन नंबर का हमें क्या ज्ञात करना है, घनमूल ज्ञात करना है, वो भी डायरेक्ट मेथड से। तो आप इस प्रैक्टिस को अच्छे से ध्यान दे दीजिए जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, फिर क्विक तरीके से डायरेक्ट तरीके से हम इसका घनमूल निकालना सीख लेंगे। किसी भी संख्या का घनमूल निकालने के लिए उस संख्या के लास्ट के 3 अंकों का एक जोड़ा बनाना है, और आगे जितने भी अंक बच जाए 2 या 3, 3 से ज़्यादा होते एक और जोड़ा एक्स्ट्रा बन जाएगा, 3-3 अंकों का जोड़ा बनेगा। जैसे यहाँ पे 2 अंक है तो ये एक अनकम्प्लीट है, लेकिन 0 लगाते ये पूरा जोड़ा बन गया कंप्लीट तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप 921 जो है ये लास्ट जोड़ा है, इसका भी हमें इकाई का अंक देखना है। तो इकाई का अंक देखिए 1 पर 1 ही होता है ये ध्यान रहे, क्योंकि परम मित्र तो 2 का 8, 3 का 7, 7 का 3 और 8 का 2 इस तरह से, तो 1 है तो इसका घनमूल लिखेंगे यानी क्यूब रूट लिखेंगे, उसकी वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ तक का तो कंप्लीट हो गया काम। अब आगे देखिए 68 है तो ऊपर से नीचे तक चलना है, और 68 से जस्ट कम कौन आता है उसे नोट करना है। जैसे यहाँ तक ऊपर से नीचे तक आने पर ये 68 से ज़्यादा है, लेकिन जस्ट कम कौन है, 64 है, और ये किसका क्यूब है, 4 का है, इसका जो घनमूल है वो 41 आ जाएगा। ये अच्छे से ध्यान दीजिए आप, 41 × 41 × 41 जब आप करेंगे तो यही नंबर प्राप्त होगा, आप चेक करके देख सकते हैं। इसी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर भी देखिए 3 अंक का जोड़ा बन गया, सिर्फ लास्ट अंक को नोट करना है। जो लास्ट अंक है जैसे ये 2 है तो 2 का परम मित्र देखना है, क्योंकि 2 का परम मित्र होता है वो कौन है उसको नोट करना आप, तो 2 का परम मित्र हो गया 8। आगे वाला जो पैर है पूरा कंप्लीट लेना है, और इसमें अंक देखिए 314 है, उससे जस्ट कम देखना है, ऊपर से नीचे तक आना आपको 314 के ये ज़्यादा हो गया, कम कौन है, 216 किसका है, देखिए 6 का, तो ये 68 हो गया। बहुत ही सरल तरीका, आप देख लीजिए 68 × 68 × 68 करेंगे तो ये आंसर आराम से आपके आ जाएगा। तो 68 आगे आप बिल्कुल इजीली समझ गए। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम, जिसमें देखिए आप इसमें पैर बनाया हमने,
लास्ट के तीन अंकों में देखिए, सिक्स, लास्ट का तीन अंक सिक्स हो गए, उसमें सिक्स का देखना आपको, सिक्स पे सिक्स ही आता है। अंतिम अंक के अनुसार हम अंतिम अंक सोचते हैं तो सिक्स का सिक्स ही आएगा, और आगे देखिए तो कितना है, 636 है, तो 636 से जस्ट कम चलना है, तो ये ज़्यादा है, ये है कम, किसका है, एट का, तो ये 86 का हो गया, ये 68 का था और ये 86 का हो गया। नंबर आप नोट करने में ध्यान दीजिए, अंतिम अंक को ही देखना है, यहाँ पे अंक है उसके अनुसार इसका देखना है, दो है तो उसका परममित्र होता है, जबकि छः का कोई परममित्र नहीं है, इसलिए छः का छः ही आएगा। आगे वाले अंकों का जो है इसी तरह से निर्धारण करेंगे। ये सारे के सारे छः अंकीय जो संख्या होती है, सिक्स डिजिट नंबर होता है, उनका क्यूब रूट निकालने का तरीका है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसमें देखिए तीन और तीन छः अंक हैं, यहाँ पे भी देखिए, और लास्ट अंक का यहाँ ध्यान दें तो सबसे लास्ट डिजिट जो है, यूनिट डिजिट जो है, वो तो 9 प्राप्त हुई, और 9 का आप देखिए कि 9 का तो 9 ही आता है, तो यहाँ पे इस बेस पे इसका घनमूल, ये हम सारे का सारे क्या निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं, ये ध्यान रहे क्यूब रूट निकाल रहे हैं ये सारे के सारा, तो 9 पे 9 आ गया। आगे वाले अंक है 493, 493 से जस्ट देखिए ज़्यादा हो गया, ये 512 तो कम है, 343, और किसका है वो आप नोट कर दीजिए, 7 का है, तो ये हमारा घनमूल हो गया 79 हो गया। एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसमें हम इस चीज़ को पूरी क्लियरली कर लेंगे कि किस तरह से किसी संख्या का घनमूल ज्ञात किया जाता है। तो ये नंबर है वो 42,875, तीन अंक यहाँ, आगे जो भी अंक बचे उनका पैर, इसमें भी तीन अंक और ये पैर, लास्ट के तीन अंकों का पैर बनाना, अंतिम तीन अंक हमें यूज करने हैं, आगे वाले पैर को अलग कर देना है। अंतिम पैर का यानी लास्ट पैर का भी लास्ट अंक देगी, 5 है तो 5 के क्यूब रूट में 5 ही आना चाहिए, ध्यान रहे घनमूल में क्यूब रूट 5, और आगे वाले देखिए 42 से जस्ट कम, 64 है ज़्यादा, उससे कम चलने हैं, 27 किसका है, 3 का, तो ये 35 हो गया, बड़े सिंपल लेवल से। यहाँ पे भी देखिए 7 का परममित्र अंक 3 है, और 250 से जस्ट कम देखना है, 250 से जस्ट कम, यहाँ पे देखिए 216, 6 का 63 आ गया यहाँ पे इसका घनमूल, और अंतिम जो अंक है इसमें देखिए पीछे वाले पैर का लास्ट डिजिट 2 है, और इसका जो परममित्र है 8, आगे जो है 941 से जस्ट छोटा, देखिए ये ही आ रहा है, 1000 तो ज़्यादा है, किसका है, 9 का, ये 98 का क्यू हो गया, 98 इसका घनमूल हो गया। तो यहाँ पे आप इन नंबरों को इंटू करा के भी चेक कर सकते हैं, 98 × 98 × 98 तो आपको ये प्राप्त हो जाएगा, 63 × 63 करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा 35 का क्यूब, इस तरह से प्राप्त होता है। तो बहुत ही सिंपल ट्रिक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आई होगी, इसे आप रिवाइज करते रहिए, ये 8th क्लास के बी सिलेबस में है, एस्टिमेशन मेथड, एक आकलन विधि करके नाम है इस विधि का, उसे हम डायरेक्ट बिना कलम उठाए भी नंबर का क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, बस उस नंबर का आपको आइडिया होना चाहिए, परम मित्र आपको पता होना चाहिए है या नहीं, 2 और 8, 3 और 7, यही जोड़ा आपको ध्यान रखना है, उस आधार पर अंतिम अंक आएगा। आगे जो अंक है उसके लिए आपको ये ग्राफ ऊपर से नीचे तक चेक करना है कि जस्ट बड़े आने से बैक चल के आपको उस डिजिट को नोट करना है। तो बड़ा सिंपल है, बेस्ट तरीके से इसका अभ्यास करते रहिए, और इस टाइप की जो ट्रिक है आगे भी आप तक आती रहेगी, आप उसको अच्छे से ध्यान देके अपना स्ट्रॉन्ग कैलकुलेशन जो है, जो कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करने का जो प्रोसेस है उसको ऐसा बेस्ट तरीके से करते रहेंगे। जय हिंद।